सो है गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक ह्यूमन एवोल्यूशन में। ठीक है, तो ह्यूमन एवोल्यूशन चैप्टर में हम बात करते हैं कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहला हमको जो पढ़ना है वो थ्योरीज पढ़नी है। थ्योरी मतलब एवोल्यूशन पे जो साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी, ठीक है, दो बड़े साइंटिस्ट लेमार्क एंड चार्ल्स डार्विन। ठीक है, लेमार्क्स थ्योरी और चार्ल्स डार्विन थ्योरी, ठीक है, ये दो थ्योरी हमको पढ़नी है। ठीक है, लेमार्क थ्योरी एंड चार्ल्स डार्विन थ्योरी, और सेकंड जो हमको पढ़नी है वो ह्यूमन एवोल्यूशन। मतलब कैसे कैसे डिफरेंट स्टेजेस, क्या क्या डिफरेंट स्टेज है, पहले रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस से लेके पूरे मॉडर्न मैन तक पूरा हम सारे जनरेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, कि रामापिथिकस की क्या क्या क्वालिटी थी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। ठीक है, तो ऐसे सारे जनरेस, तो दो चीज़ पढ़नी है हमको, थ्योरी पढ़नी है लेमार्क थ्योरी, चार्ल्स डार्विन थ्योरी और ह्यूमन एवोल्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के हमको पढ़ना है कि क्या क्या डिफरेंट स्टेज में जो ह्यूमन थे उनकी क्या क्या स्पेशलिटी थी, क्या क्या क्रेनियल कैपेसिटी आपके एग्जाम में पूछता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे रामापिथिकस का क्रेनियल कैपेसिटी कैसा था, और आज के मॉडर्न मैन का क्रेनियल कैपेसिटी यानी क्रेनियल यानी स्कल का कैपेसिटी कितना। ठीक है, तो क्रेनियल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन अभी मैंने बताया ना कि एवोल्यूशन कैसे दुनिया, कैसे ह्यूमंस, कैसे लाइफ शुरू हुआ अर्थ पे, सबसे पहले क्या था। जैसे कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, ठीक है, तो बंदर थे नहीं, बंदर जैसे दिखते थे, तो वहाँ से लेके पूरा आज तक, वहाँ से जो मंकी लाइक एप लाइक स्ट्रक्चर, एप लाइक दिखते थे, एप यानी मंदर लाइक जो दिखते थे, वहाँ से लेके आज का जो मॉडर्न मैन है, इस पूरे पीरियड को एवोल्यूशन कहते हैं। कैसे धीरे 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 क्या क्या चेंजेस हुए, तो पूरा स्पीसीज हमारा बदल गया। ठीक है, हाँ, कहते हैं लोग कि आदमी पहले बंदर थे, बंदर नहीं थे हम लोग, बंदर के प्रजाति में आते हैं। ठीक है, बंदर की स्पीसीज में हम लोग आते हैं, हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर जैसे दिखते थे, वो बंदर नहीं थे, वहाँ से जैसे, अब वो साइकिल, पूरा साइकिल है एवोल्यूशन का, वो साइकिल हमको नहीं पढ़ना है, हमको बस क्या क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है और एवोल्यूशन ह्यूमन का पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे हमारे, मैं जैसे बता रहा था कि हमारे पूर्वज बंदर जैसे दिखते थे, बंदर थे नहीं, वो बंदर के जो स्पीसीज है, जो मंकी का स्पीसीज है, उसके अंदर हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थ्योरीज क्या क्या थ्योरी। ठीक है, पहले पर हम थ्योरी देखेंगे, तो दो सबसे बड़े जो थ्योरी दिया, सबसे पहले हमको लेमार्क्स थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, लेमार्क्स थ्योरी, तो लेमार्क कौन है, ये भी एक बहुत साइंटिस्ट थे। ठीक है, लेमार्क्स थ्योरी हमको पढ़ना है। ठीक है, लेमार्क कौन थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो लेमार्क ने ऑब्जर्वेशन की, अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो लेमार्क क्या किए, लेमार्क ने ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, कई सारे जगह पे गए, ये स्कल जमीन में स्कल नहीं गाड़ दिया जाता है, तो कई सारे स्कल इन्होंने निकाल के देखा। ठीक है, कई और भी बहुत सारे अपनी स्टडी की, तो अपना जितना भी स्टडी की थी उस पे बेस्ड इन्होंने अपना थ्योरी दिया, लेमार्क ने अपना थ्योरी दिया इनहेरिटेंस ऑफ। इनके थ्योरी को अगर एक वर्ड में या फिर एक लाइन में अगर हम डिफाइन करें, तो इनका था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लेमार्क ने जो थ्योरी दी थी, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इस थ्योरी के अंदर इन्होंने दो पॉइंट दिया था, पहला तो यही था, पहला पॉइंट जो था यही था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एंड दूसरा था इनका यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो इनका अगर थ्योरी पूछेगा कि लेमार्क ने क्या थ्योरी दी थी, तो आप ये लिखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और अगर डिफाइन करने को पूछेगा कि इसको डिफाइन करिए, लेमार्क की थ्योरी को डिफाइन करिए, तो इनका थ्योरी प्लस इसके जो दो पॉइंट थे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दोनों एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या कहता है कि जो हमारे, जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, कोई फादर है, ठीक है, फादर
फादर और मदर्स, ठीक है, फादर मदर्स हैं, ठीक है, फादर है मदर है, ठीक है, और फादर मदर का मान लीजिए कोई उनका बेबी होता है, लड़का होता है लड़की होती है जो भी होता है, तो अब हम देखेंगे कि जो चाइल्ड है, जो चाइल्ड है इसमें भी फादर के कुछ कैरेक्टर्स होंगे, मदर्स के कुछ कैरेक्टर्स होंगे। तो ये जो थ्योरी है इनका यही कह रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी हमारे एंसेस्टर्स के, हमारे पूर्वज के कुछ कैरेक्टर्स यंग वंस में, ये क्या है चाइल्ड क्या है, यंग वंस है, यंग वंस में, यानी नया जो इस नया जो हमारा जनरेशन पैदा हो रहा है, ये फादर मदर क्या है, एंसेस्टर्स हैं। तो हमारे पेरेंट्स के, हमारे एंसेस्टर्स के कुछ कैरेक्टर्स यंग वंस में ट्रांसफर हो जाते हैं, इसी को इन्होंने कहा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो चाइल्ड होगा उसमें पेरेंट्स के कैरेक्टर मौजूद होंगे, इसी को इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इन्होंने कह के समझाया, ठीक है। फिर इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इसमें इन्होंने कहा कि हम अपने बॉडी के जिस ऑर्गन को ज़्यादा यूज करेंगे वो ज़्यादा डेवलप होगा, जिसको नहीं यूज करेंगे वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स में इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जो जिराफ होते हैं, ठीक है, जिराफ, पहले इन्होंने कहा कि ट्री है, ठीक है, पहले इन्होंने कहा, आप फिगर में देख सकते हैं, पहले इन्होंने कहा कि ट्री है, ठीक है, तो अब जिराफ क्या लीव्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं, तो जिराफ ने अपना गर्दन जो है कि लीफ खाने का ट्राई किया, तो अब जैसे जिराफ को लीफ खाना था तो अपना गर्दन का ज़्यादा यूज करता था, गर्दन को ज़्यादा यूज करता था, तो एज ए जब टाइम बढ़ता गया तो उसका गर्दन डेवलप होता गया, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यही कहता है कि आप जिस ऑर्गन को ज़्यादा यूज करते हैं, यानी जिराफ ने अपना गर्दन ज़्यादा यूज किया तो उसका गर्दन डेवलप हो गया, तो जिस ऑर्गन को आप ज़्यादा यूज करेंगे वो ज़्यादा डेवलप होगा, जिसको नहीं यूज करेंगे वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इन्होंने दिए, ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन पे इन्होंने वो जिराफ वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो अब इनके जो दोनों पॉइंट्स हैं, आज की डेट में हम देखें तो कुछ हद, कुछ सर्टेन लिमिट्स तक दोनों पॉइंट सही हैं, कुछ सर्टेन लिमिट्स तक दोनों पॉइंट गलत है, ठीक है। अब आपको अगर एग्जाम में पूछ देता है कि क्यों लेमार्क का थ्योरी वेल प्रूफ्ड नहीं है, वेल प्रूफ्ड क्यों नहीं है, जैसे यू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या कह रहा है कि पेरेंट्स का जो जो कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर इन द सेंस कि पेरेंट्स, इन्होंने कहा था कि पेरेंट्स जैसे होंगे एज सेम टू सेम, नॉट 100% से बट अबाउट 80-85% यंग वंस भी उन्हीं के जैसे होंगे, लेकिन इनका थ्योरी आज के दिन में नॉट, इन सम केसेस दे आर एक्सेप्शन, दे आर सम यंग वंस, दे आर एग्जैक्टली लुक लाइक द नॉट लुक, कैरेक्टर मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इनका जो थ्योरी था ये गलत कैसे हुआ, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछता है कि लेमार्क का थ्योरी कैसे गलत हुआ, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये जो पॉइंट है इनका लेमार्क का, ये गलत कैसे हुआ, गलत ये हुआ कि जो बॉडी बिल्डर है, ठीक है, देखा गया कि जो बॉडी बिल्डर है, एक कोई बॉडी बिल्डर है, ठीक है, एक कोई बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर, तो अब इसका कोई चाइल्ड है, बॉडी बिल्डर का चाइल्ड है, तो अगर हम लेमार्क की थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह चलें, तो जैसा बॉडी बिल्डर का शरीर है, जो जो कैरेक्टर है, जैसा मसल्स है, लगभग 85% उसके चाइल्ड का भी होना चाहिए था, नियर अबाउट 80-85% उसका चाइल्ड का भी होना चाहिए था, यानी अगर ये आदमी बॉडी बिल्डर है तो इसका बच्चा भी बॉडी बिल्डर जैसे इसके मसल्स होंगे, अच्छे खासे मसल्स होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि बॉडी बिल्डर का बेटा बॉडी बिल्डर नहीं पैदा होता है, ठीक है, तो यानी उसका मसल्स जो है बॉडी बिल्डर जैसे नहीं रहेंगे, ठीक है, नॉर्मल बच्चों के जैसे मसल्स रहते हैं वैसे रहेंगे। तो आज के दिन में ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डर का बेटा बॉडी बिल्डर तो होगा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस केस में लेमार्क का थ्योरी गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि अगर गलत कैसा है लेमार्क का थ्योरी, तो बॉडी बिल्डर का बेटा बॉडी बिल्डर के जैसे जो बॉडी बिल्डर का बेटा होगा उसका मसल्स नॉर्मल बेबी की तरह होंगे, बॉडी बिल्डर के जैसे नहीं होंगे, तो यहाँ पर इनका थ्योरी जो है गलत हो गया, इनका थ्योरी गलत हो गया। एंड यूज ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की बात करेंगे कैसे गलत हुआ, ठीक है, तो कुछ हद तक यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स सही है, ठीक है। आपके वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन में क्या है, यूज एंड डिसयूज, इन्होंने यही कहा था कि जिस ऑर्गन का आप यूज़ ज़्यादा करेंगे वो डेवलप हो जाएगा, जिसका नहीं यूज करेंगे वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो रिड्यूस जो ऑर्गन रिड्यूस हो जाते हैं उन्हीं को वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल यानी जो यूज़ के हमारे नहीं है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन में पहला क्या हमारा पिन्ना है, हमारा क्या है पिन्ना, पिन्ना ये ईयर का पिन्ना, ठीक है, तो ये एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है, ठीक है।
आपके एग्जाम में पूछ भी देता है कि नेम एनी नेम द वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। दूसरा आपका है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहाँ होता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के टिप पे हल्का सा निकला रहता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमारे एंसेस्टर में, हमारे पूर्वज में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता था। इसका काम क्या था, जो पहले हमारे एंसेस्टर थे वो क्या करते थे, वो पत्ते खाते थे, पेड़ पौधे, यानी जो पेड़ पौधों से नॉर्मल चीज पत्ते हो गए, फल हो गए, यही सब खाते थे। तो अब पत्ते जब खाते थे तो प्लांट सेल किसका बना रहता है, प्लांट सेल सेल्यूलोज को बना रहता है। तो अब वही सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता था पहले एंसेस्टर्स में, पहले एंसेस्टर में अपेंडिक्स प्रेजेंट रहता था, जो कि हम पत्ते वगैरह खाते थे हमारे एंसेस्टर, तो उसमें जो सेल्यूलोज रहता था उसको पचाने के लिए अपेंडिक्स काम करता था। आज के दिन में हम पत्ते नहीं खाते हैं, आज के दिन में हम फ्रूट्स खाते हैं, कुक्ड फूड खाते हैं, ठीक है। तो उसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स काम नहीं है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारा रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनका थ्योरी जो है सही है, ठीक है। वर्मी फॉर्म ये वेस्टिजियल ऑर्गन का अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनका थ्योरी सही है। फिर थर्ड इन्होंने ठीक है, थर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन आपका जो है वो है विजडम टीथ, विजडम टीथ, विजडम टीथ हमारे दांत का जो लास्ट वाला टीथ है, विजडम टीथ अब रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन का हमारा केस है, ठीक है। तब ये भी थ्योरी जो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का थ्योरी है, ये भी इनका मतलब ज्यादा वेल प्रूव्ड नहीं था। कुछ केसेस में इनका थ्योरी, जैसे आप देख लीजिए, जैसे हमारे बॉडी में पहले क्या था, बहुत सारे बाल हुआ करते थे, आज भी हमारे सिर में बाल हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे, जैसे कई सारे जगहों पे इनका थ्योरी नहीं प्रूफ हुआ, जैसे हमारे बाल हैं, हेयर के बाल हैं, इनका कुछ ज़्यादा कुछ यूज है, लेकिन ज़्यादा यूज है। इन्होंने कहा था कि जो ऑर्गन हम यूज़ करेंगे उसका ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, जो ऑर्गन हम नहीं यूज़ करेंगे वो रिड्यूस। जैसे हमारे पैर की उंगलियाँ हैं, ठीक है, पैर की उंगलियाँ हैं, ठीक है। तो पैर की उंगलियों का क्या काम है, कुछ नहीं काम है। तो अगर हम लेमार्क थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें तो आने वाले 40-50 सालों में हमारी पैर की उंगलियां खत्म हो जाएंगी, हमारा जो पैर है वो फ्लैट हो जाएगा ऐसे, अकॉर्डिंग टू लेमार्क्स थ्योरी। अगर लेमार्क का थ्योरी ये सही हो जाता है तो हमारी जो पैर की उंगलियां हैं, जो हमारी पैर की उंगलियां हैं कई सारी, ये नहीं, ये फ्लैट हो जाएंगी, ठीक है। कैसे हो जाएंगी, फ्लैट, अकॉर्डिंग टू लेमार्क्स थ्योरी ये फ्लैट हो जाएंगी। लेकिन अब अभी तक तो नहीं हुआ, अगर आगे हो जाता है तब लेमार्क्स थ्योरी उस केस में प्रूफ हो जाए, उस केस में लेमार्क का थ्योरी सही हो जाएगा, ठीक है। तो लेमार्क ने एक थ्योरी एक्वायर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जो पेरेंट का कैरेक्टर रहेगा, जो पेरेंट का जैसा कैरेक्टर रहेगा वो यंग वंस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, लेकिन जो मसल्स वगैरह का केस आ जाता है वो नहीं ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बॉडी बिल्डर का बेटा बॉडी बिल्डर नहीं होगा, ये आप, ये इनका फ्लॉ था, यानी ये चीज ये नहीं समझा पाया कि कैसे होगा, ठीक है। प्लस यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन का इन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया था कि जिराफ अपना गर्दन यूज करता है तो धीरे धीरे उसका गर्दन लंबा हो गया, ठीक है। फिर कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी में, ठीक है। तो कई जगह इनका केस नहीं वेल, लेकिन यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन इसको माना गया कि हाँ ये एक तरह से प्रूव है, 90% ये प्रूव्ड थ्योरी है, ठीक है। अच्छा, अब ये पहले साइंटिस्ट है, ठीक है। फिर इनके बाद आए, पहले थे लेमार्क, इसके पास आए इनके बाद आए डार्विन, ठीक है, डार्विन थ्योरी, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। तो डार्विन ने अपना जो थ्योरी दिया, डार्विन ने अपना थ्योरी दिया नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, अब इन्होंने क्या क्या पॉइंट दिया, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। फिर इन्होंने कहा नेचुरल सिलेक्शन, एंड लास्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये डार्विन की, डार्विन ने क्या क्या पॉइंट दिए थे, ओवर पॉपुलेशन, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल या फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, एक्चुअली ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं था, ये था वेरिएशन, ठीक
ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट, तो ओवर पॉपुलेशन, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल या फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, ये इनके 4 पॉइंट्स थे। ठीक है, अब इन्होंने, अगर आपका पूछेगा कि लेमार्क का थ्योरी क्या है तो नेचुरल सिलेक्शन आप कहेंगे, अगर आपको पूछेगा कि डार्विन का थ्योरी क्या है तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कैरेक्टर, ठीक है, इनके 2 पॉइंट थे, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स या आपका वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि नेम एनी 4 वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, तो हमको 3 तो पता है, पिन्ना, वर्मीफॉर्म, वर्निक्स एंड विजडम टीथ, ठीक है, फोर्थ वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, कोई गेस कर सकता है फोर्थ वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करिए, ठीक है। मैं पहले बता दूं कि हेयर और नेल, हेयर एंड नेल जो है हमारा नाखून, ये वेस्टिजियल ऑर्गन, इनको वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं माना जाता है, ठीक है, तो हेयर और नेल वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि नेम एनी 4 वेस्टिजियल ऑर्गन इन द बॉडी, ठीक है, तो फोर्थ वेस्टिजियल ऑर्गन अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करिए, ठीक है, नीचे क्या करिए, कमेंट करिए, ठीक है, जिसको पता है फोर्थ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी नीचे कमेंट करिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डार्विन का क्या थ्योरी था, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, इन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया था, ओवर पॉपुलेशन, पहला पॉइंट था इनका ओवर पॉपुलेशन, फिर स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल या फिर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल और स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस आप कहिए, ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट वेरिएशन एंड फोर्थ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तब इन्होंने अपने पॉइंट्स को कैसे समझा, ये चार्ल्स डार्विन का ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, ये ऑब्जर्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर गए, डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स पे गए, ठीक है, तो जब अलग अलग जगहों पे गए तो इन्होंने बर्ड्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है, बर्ड्स को ऑब्जर्व किया, कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया इन्होंने, लेकिन मैं बर्ड्स, बर्ड का बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों को इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो अब जब बर्ड्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया तो देखा कि जो पहले आइलैंड पे जो बर्ड है उसके जो चोंच है, उसका जो पंख है, चोंच है जैसा, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो, जैसे मान लेते हैं उसका जो पैर है, उसका जो लेग्स हैं वो छोटे रह गए, ठीक है। फिर सेकेंड आइलैंड पे गया, इन्होंने देखा कि जो वहाँ पे बर्ड है उसके पैर लंबे हैं। थर्ड आइलैंड पे गए, देखा किसी के पंख लंबे हैं। फोर्थ आइलैंड पे किसी के पंख छोटे हैं, किसी के चोंच बड़े हैं, किसी के चोंच छोटे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, ऐसे ही अलग अलग जानवर पे, अलग अलग स्पेसीज पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। तो इन पे, इस पे अपना इन्होंने थ्योरी दिया नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी ये कहता है कि नेचर, हमारा नेचर के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में वेरिएशन आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी अडॉप्ट हो जाता है उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा नेचुरल सिलेक्शन, अगर मैं छोटा छोटा समझाऊँ तो ये इन्होंने कहा, ठीक है। तो अब इनका जो पॉइंट्स था, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, तो ओवर पॉपुलेशन इन्होंने क्या कहा कि जो ओवर पॉपुलेशन, जो जैसे जो हमारा एक है ऑस्टर्स होते हैं, ठीक है, ऑस्टर्स, तो ऑस्टर्स का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो ऑस्टर्स एक बार में 60 to 80 million एग्स, जो ऑस्टर हमारा एक स्पीसीज है, मैं फिगर आपको दिखा दूंगा इधर, ठीक है, तो ऑस्टर जो है हमारा 60 to 80 million एग्स हमारे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से अगर सारे तो नहीं, जिंदा, ओवर पॉपुलेशन, इन्होंने ये कहा कि ओवर पॉपुलेशन इसलिए होता है, मान लीजिए कोई रैबिट है, ठीक है, रैबिट फीमेल रैबिट है, रैबिट है फीमेल रैबिट, ठीक है, इसने कितने 6 बच्चे दिए, ठीक है, फीमेल रैबिट ने 6 बच्चे दिए, 6 रिप्रोड्यूस किया इन्होंने, 6 बच्चे दिए फीमेल रैबिट में। अब इसमें से क्यों ओवर पॉपुलेशन होता है, इसका इन्होंने रीजन दिया कि 6 दिए, तो अब 6 के 6 कोई जरूरी है कि 6 से जिंदा, इसमें से क्या पता 4 मर जाए, ठीक है, क्या पता 4 मर गया, 2 ही बचा, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन का इन्होंने ये रीजन दिया कि ओवर पॉपुलेशन इसलिए होता है कि ओवर पॉपुलेशन, अब ओवर पॉपुलेशन देखेंगे तो आप इसमें सर्वाइवल ऑफ द ओवर पॉपुलेशन से इन्होंने 2 चीज प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, एक तो ओवर पॉपुलेशन इन्होंने, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन्होंने कहा, एक तो ओवर पॉपुलेशन है रैबिट, फीमेल रैबिट 6, ये ऑस्टर का एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि 60 to 80 million एग्स प्रोड्यूस करती है, इसमें से सारे नहीं जिंदा है। फिर इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया था पैरामीशियम का, पैरामीशियम भी ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, पैरामीशियम एक सेल है, एक टाइप का सेल है, ये भी एक स्पीसीज है, सेल है एक, पैरामीशियम एक टाइप का सेल होता है, ये 48 घंटे में यानी 2 दिन में, 48 घंटे यानी 2 डेज में ये 3 बार डिवाइड होता है, 2 दिन में 3 बार डिवाइड होता है, ठीक है, सेल डिवाइड होता है ना, पैरामीशियम एक टाइप का सेल है तो 2 दिन में 3 बार डिवाइड हो जाता है, तो इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है।
तो पहला तो इन्होंने कहा ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर मैं ये भी आपको समझ देता हूँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो अब जो रैबिट फीमेल ने छह रिप्रोड्यूस किया था, छह यंग वन रिप्रोड्यूस, उसमें जो फिट होगा वही दो आगे सर्वाइव करेंगे, जो जो फिट होगा वही आगे सर्वाइव करेगा। मान लेते हैं चार मर गए, वो चार फिट नहीं थे उस एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के, जो सर्वाइव रहेगा वही आगे जाके अडॉप्ट हो पाएगा उस एनवायरमेंट में और आगे सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही कहता है, ठीक है, जो फिट रहेगा वही सर्वाइव कर पाएगा। तो पहला तो ओवर पॉपुलेशन, इन्होंने ऑस्टर का एग्जांपल दिया, 60-20 मिलियन एग्स प्रोड्यूस करता है ऑस्टर, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा पैरामीशियम जो 48 घंटे में दो बार, यानी दो दिन में तीन बार ये डिवाइड होता है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो सबसे स्लो, जो सबसे स्लो यंग वन प्रोड्यूस करता है वो है एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट अपने पूरे लाइफ में सिक्स यंग वंस, एलिफेंट अपने लाइफ में सिक्स यंग वंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ह्यूमन की बात नहीं हुई थी यहाँ पे, एलिफेंट अपने लाइफ में सिक्स यंग वंस, एलिफेंट स्लो नहीं है, ठीक है। इन्होंने एलिफेंट जैसे बाकी जो भी इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था उसमें एलिफेंट का स्लोएस्ट था, एलिफेंट इन्होंने कहा कि अपने पूरे लाइफ टाइम में एलिफेंट सिक्स यंग वन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन अब छः के छः अगर एलिफेंट अपनी लाइफ में सिक्स यंग वन प्रोड्यूस करता तो आज तो मतलब हमारे इंडिया में चाहे कहीं भी जंगलों में बहुत सारे हाथी होने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारे नहीं है, सर्टेन लिमिट थी है, ठीक है। तो अब इसमें भी सारे जिंदा नहीं रह पाते हैं, कुछ हाथी मर जाएंगे, ठीक है। अभी केरला में एक हथिनी के हथिनी प्रेगनेंट थी, उसके पेट में मतलब बेबी था तो उसको जला दिया गया था। तो ये सब नहीं करना चाहिए, हमको भी जानवर से, वो भी जानवर, उसको भी भाई मारोगे तो दर्द होगा, ठीक है। तो एलिफेंट का इन्होंने कहा था कि सिक्स यंग वन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अच्छा ये हो गया था ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन को इन्होंने बताया कि ज्यादा ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है। फिर इन्होंने कहा सर्वाइव, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ठीक है। अब ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, मान लेते हैं कि एक सिटी है, मान लेते हैं एक छोटा सिटी है, इसमें पहले 10 लोग रहते हैं, ठीक है। अब ओवर पॉपुलेशन हो गया, 10 की जगह 50 आ गए, ठीक है। तो सिटी का एरिया तो उतना ही है, फूड उतना ही है, जगह उनको उतना ही मिल रहा है, लैंड जो है वो तो लैंड लिमिटेड है, फूड लिमिटेड है, वाटर लिमिटेड है। अब ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रगल होगा, यानी जो 10 लोग के लिए उतना ही लैंड था, 50 लोग में उसको डिवाइड करना है, तो इसके लिए स्ट्रगल बढ़ जाएगा, हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया, ठीक है। लैंड लिमिटेड है, वाटर लिमिटेड है, फूड लिमिटेड है, लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पहले जो 10 लोग को सेम लैंड में रहना था, अभी 50 लोग को सेम लैंड में रहना था, आगे पॉपुलेशन 100 हो जाएगा। तो स्ट्रगल बहुत है सर्वाइवल, ओवर पॉपुलेशन की वजह से सर्वाइवल ऑफ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये हमारा स्ट्रगल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने समझाया, ठीक है। फिर वेरिएशन, अब यहाँ पे आप ह्यूमन से रिलेट कर सकते हैं। वेरिएशन इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, हमारे बॉडीज में एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में धीरे धीरे, नॉट रैंडम नहीं हुआ, धीरे 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 चेंजेस आएंगे। उन्हीं जो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं हमारे बॉडी में अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, हम जो अडॉप्ट एनवायरमेंट में अडॉप्ट होने के लिए हम जो धीरे धीरे हमारे बॉडी में वेरिएशन आ रहे हैं, धीरे धीरे जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हीं को इन्होंने वेरिएशन कहा, ठीक है। तो स्लो वेरिएशन क्या है, स्लो चेंज इन द बॉडी फॉर द अडॉप्टेशन इन द एनवायरमेंट, ये आपका वेरिएशन, ठीक है। एक होता है सडन चेंज, ठीक है, ये तो वेरिएशन क्या है, स्लो चेंज होगा, ठीक है, स्लो चेंज। वेरिएशन क्या है, स्लो चेंज, एक सडन चेंज होता है, सडन चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं म्यूटेशन। एक किसी चैप्टर में म्यूटेशन है सर, ठीक है, म्यूटेशन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में था शायद म्यूटेशन। तो हमारे बॉडी में जो सडन चेंज होगा किसी भी वजह से, ठीक है, कोई जो क्या न्यूक्लियर अटैक जो होता है उसके भी जो न्यूक्लियस जो रेडिएशंस होते हैं, एटॉमिक बम जहाँ फटता है जो रेडिएशन, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में भी चेंज, तो जो अचानक चेंज आ जाता है, सडन चेंज आएगा, उसको म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जब बर्ड्स को ऑब्जर्व किया, तो अब लेमार की थ्योरी यहाँ पे जो गलत हुई, जैसे लेमार का थ्योरी गलत होने का एक और रीजन था कि इन्होंने चूहा पकड़ा था, माउस, ठीक है। अब जो इनहेरिटेंस ऑफ अकॉर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मैं बता रहा हूँ कि ये थ्योरी, एक तो बॉडी बिल्डर वाला केस है, एक और केस है कि इन्होंने क्या किया कि इनहेरिटेंस ऑफ अकॉर्ड, इन्होंने एक चूहा माउस पकड़ा, ठीक है, चूहा, ठीक है। अब क्या किया, उसका चूहे का पूंछ काट दिए, चूहे का जो टेल था उसको इन्होंने काट दिया, ठीक है। तो ऐसे ही 12
जनरेशन तक चूहे का जो 12 जनरेशन था सबका पूंछ काटते गए काटते गए, ठीक है। पहले चूहा पकड़ा उसका पूंछ काट दिया, ठीक है। अब उसका जो बेबी हुआ देखा कि जैसे 12 जनरेशन का इन्होंने पूंछ काटते गए, लेकिन हमेशा जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होता था, जो माउस का बेबी होता था, नेक्स्ट जनरेशन होता था, उसका पूछ लंबा ही रहता था। भले ही पेरेंट्स का पूछ कटा हुआ है, लेकिन जो बेबी होता था उसका पूछ लंबा ही रहता था। फिर बेबी का पूछ काट दिया, उस जो बेबी था पेरेंट बना, उसका जब बेबी हुआ तो उसका भी पूछ लंबा था, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जब हम पूछ काट रहे हैं तब भी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, जब पेरेंट्स का पूछ कटा हुआ है तो बच्चे का भी छोटा ही होना चाहिए था, लेकिन बच्चे का तो फुल हो रहा है। तो यहाँ पे भी इनका थ्योरी गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर अब ये हो गया एनवायरनमेंट। म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज, जो सडन चेंज आता है हमारे बॉडी में उसको म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को इन्होंने कैसे समझाया? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को आप ऐसे समझिए कि एक शेर है, लॉयन है, ठीक है, लॉयन है, इधर डियर है, डियर 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 यानी हिरन, ठीक है। 4 हिरन है मान लेते हैं, 1 2 3 4, 4 हिरन है, ये लॉयन है, शेर है, ठीक है। अब इन जो शेर है इन चारों हिरन को दौड़ा दिया, ठीक है, इसको शिकार करना है, शेर को शिकार करना है, तो ये चारों हिरन को दौड़ा दिया। अब इसमें कौन बच जाएगा? जो तेज दौड़ जाएगा वो बच जाएगा, जो फिट है, जो फिट है, जो तेज दौड़ जाएगा वो बच जाएगा, बाकी जो कमजोर है बेचारा वो शेर का शिकार हो जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इन्होंने ये कहा कि जो फिट है, जो आदमी फिट है, जो एनवायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है, अपने आप को सह सकता है एनवायरमेंट का अटैक, वो सर्वाइव करेगा। तो यहीं पे जो जो फिट थे, जैसे मान लीजिए चौथा वाला भाग गया, दूसरा वाला भाग गया, पहला भाग गया, फंसा कौन? दूसरा वाला फंस गया। तो अब ये तीनों फिट थे तो ये भाग गए, ये सर्वाइव कर जाएंगे, तीनों फिट थे तो ये सर्वाइव कर जाएंगे, दूसरा वाला कमजोर था, ठीक है, तो ये शेर का शिकार हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ने, फिटेस्ट में इन्होंने ये समझाया, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन में क्या समझा कि ऑस्टर है जो 60 to 80 मिलियन एग प्रोड्यूस करता है, पैरामेशियम 2 घंटे में, सॉरी 2 दिन में 3 बार डिवाइड होता है, एलिफेंट जो है कि 6 यंग वन प्रोड्यूस करता है। तो एलिफेंट का इन्होंने ये कहा कि एलिफेंट जब 6 यंग वन प्रोड्यूस करता है तो 750 साल में, 750 ईयर्स में, 750 ईयर्स में अगर एलिफेंट जो है, एलिफेंट अपने लाइफ टाइम में 6 यंग वन अगर प्रोड्यूस करता है तो 750 ईयर्स में इसकी पॉपुलेशन 19 मिलियन हो जाएगी, 19 मिलियन, 19 मिलियन, ठीक है, 19 मिलियन। इन्होंने कहा कि अगर एलिफेंट अपने लाइफ टाइम में 6 यंग वन प्रोड्यूस करता है तो 750 साल में, 750 ईयर्स में एलिफेंट की पॉपुलेशन 19 मिलियन हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है, 19 मिलियन पॉपुलेशन नहीं है। तो क्या अब एलिफेंट में जो 6 यंग वन प्रोड्यूस होते हैं उसमें भी सब तो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं? जो फिट है, जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो ये लेमार्क ने अपने थ्योरी दी, ठीक है, ये डार्विन का थ्योरी था, फिर लेमार्क का थ्योरी। तो ये दोनों थ्योरी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों थ्योरी, तो आप पक्का पढ़ के जाएगा, थ्योरी पूछ देता, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ह्यूमन इवोल्यूशन का, इससे 5 से 10 नंबर का, 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें लेमार्क ह्यूमन इवोल्यूशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? लेमार्क थ्योरी और डार्विन थ्योरी, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना है। और ये, हाँ, ये वेस्टिजियल ऑर्गन जो है, फोर्थ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, हालांकि उसको, ठीक है, फोर्थ वेस्टिजियल ऑर्गन हेयर एंड नेल नहीं है, ठीक है, हेयर और नेल वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, हेयर एंड नेल कमेंट मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो फोर्थ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी अगर आपको पता हो या फिर आप गेस कर सकते हैं नीचे कमेंट करिए, ठीक है। तो ये आपका लेमार्क थ्योरी, चार्ल्स डार्विन थ्योरी, होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि वही जो रामापिथिकस से लेके, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरटेल, क्रोमैग्नन, मॉडर्न मैन, तो ये जो पूरा जनरेशन था इसका हम स्टडी करेंगे कि एक एक जनरेशन की क्या क्या क्वालिटीज थी, क्या क्या क्रेनियल कैपेसिटी क्या था, ठीक है, किस जनरेशन ने फायर, आग, कौन से जनरेशन में आग का, फायर का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, क्यों, कौन सी जनरेशन में व्हील का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो ये सब आपको पूछ देता है, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।